हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? सबको अच्छे हैं। तो मैं गणेश कुमार यादव आपके लिए एक परीक्षा संबंधित एक आवश्यक सूचना लेके आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम 28 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाले थे आईटीआई यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संघ, जिसको हम लोग अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा कहते हैं, तो इसमें कुछ पेच आ गया है। पेच यह आ गया है कि ये जो केंद्र सरकार की जो होम मिनिस्ट्री होता है, जिसको हम लोग HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते हैं या मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, तो उसके अंतर्गत यह कल मीटिंग किया गया है 18 जुलाई को, कि आने वाले अगस्त में पहले सबसे यह दिशा निर्देश दिया गया है सारे स्टेट को कि आप जहां कुछ सरकारी ITI में क्वारंटीन सेंटर बना था या फिर मास्क बनाया जा रहा था या फिर उसको कोविड हॉस्पिटल के रूप में यूज किया जा रहा था, उसको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है कि आपको अगस्त में यानी कि अगस्त के पहले हफ्ता में आपको उस ITI को खाली कर देना है। और वहाँ पे उस तरह से जो पहले वहाँ का मैनेजमेंट था, जैसे जहाँ पे वर्कशॉप था, मशीन थे, यानी जो भी प्रैक्टिकल का जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे जैसे थे वैसे वैसे वहाँ पे उसको फुल तैयार कर देना है। अब बात करते हैं कि कल जो मिनिस्ट्री में बात यानी डिस्कशन हुआ क्या, तो डिस्कशन में यह बात हुआ है कि एग्ज़ाम लेना है और एग्ज़ाम कैसे लेना है। तो मंत्रालय ने यह साफ रूप से स्पष्ट कर दिया है कि फाइनल सेमेस्टर वाले को किसी भी शर्त में एग्ज़ाम लेना ही लेना है। इसमें कोई भ्रम या अफवाह फैलाने वाली बात नहीं है कि हाँ जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में उसको प्रमोट किया कर दिया जाए उसके इंटरनल बेसिस के मार्क्स पर, या फिर जो फर्स्ट ईयर में है उसको प्रमोट करके सेकेंड ईयर में कर दिया जाए। तो इस पे एकदम मोहर लग गया है कि फाइनल सेमेस्टर, जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, चाहे वो 17-19 का बच्चा हो या 18-20 का हो या 16-18 में कुछ बच्चे जो बैक जिनके पेपर हैं, वो सारे बच्चे को यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन अब इसका प्रोसेस और प्रक्रिया की जो रूटीन है, जो सिस्टम है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब आने वाले आपके अगस्त के लास्ट वीक में आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल का बेसिस जो एग्ज़ाम होगा, जो प्रैक्टिकल लिया जाता है एग्ज़ाम में, वहाँ से आपको तैयारी शुरू कराया जाएगा और सबसे पहले प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसको ख़त्म कराया जाएगा। उसके आधार पर जब प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा तो सिलेबस में पीछे देखा जाएगा, कुछ सिलेबस बचा है तो उसको ख़त्म करने के लिए, ऐसे तो पहले ही आदेश दे दिया गया था कि सिलेबस को ऑनलाइन माध्यम से या भारत स्किल पर या भारत ऐप पर जाके उसको ख़त्म करा देना है। लेकिन एजुकेशन मंत्रालय का कहना है कि अगर कुछ चैप्टर्स बच गए हैं या सिलेबस में कुछ कमी रह गया है तो उस हालात में आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए। अब मंत्रालय का कहना है कि जब एग्ज़ाम हमको लेना है, इसमें दो पेज फंस रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ऊपर से टोटली प्रेशर है कि एग्ज़ाम एनी हाउ, एनी कॉस्ट और एनी वेयर, यानी किसी भी हाल में और किसी भी कीमत में एग्ज़ाम ऑनलाइन ही लेना है। ऑनलाइन में एक पेज फंस क्या रहा है कि ऑनलाइन में अब उतने सारे सिस्टम या फिर कंप्यूटर CBT लेने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उस प्रकार से एबिलिटी नहीं है, यानी कि सेंटर्स नहीं है, तो सारे ITI वाले ने अपना दलील रखा है कि बहुत ऐसे संस्थान है जिसमें तो अभी कंप्यूटर का बेसिस नॉलेज ही नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे कंप्यूटर से एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा। तो ये सारे बातें ITI के जो यूनियन संघ हैं उन्होंने लोगों ने अपना एक दलील रखा, सरकारी और प्राइवेट सब ने मिल के अपना एक लेटर दिया, ज्ञापन सौंपा है कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में समर्थ नहीं है। लेकिन अगर ये 2018 का जो गाइडलाइन है या नियमावली बना था कि आने वाले समय में आपको
ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया पूरा करना है, क्योंकि इसके 2018 में ही ऑनलाइन एग्जाम लेना था, तो उस समय ही ये सारे आईटीआई वालों ने धरना दिया था, कुछ बच्चों ने हड़ताल किया था कि नहीं हम लोगों को आईटीआई में कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है, ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना भी यह है कि आपको जब 2 साल पहले यह बता दिया गया था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा, चाहे 6 मंथ का जो सेमेस्टर है उसमें लिया जाए या फिर एनुअल आर है उसमें लिया जाए, लेकिन एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। फिर जब आपको 2 साल पहले का जब गाइडलाइन या नियमावली के अंतर्गत आपको पता है, तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? इस बात को लेकर मंत्रालय में कल पूरा मंथन चला है, उसमें पूरा मंथन हुआ है और डिस्कस यही निकल गया है कि आपको सितंबर में एनी हाउ एग्जाम, यानी कि अगस्त में आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और आपको September 1st week या अगस्त के लास्ट वीक में एग्जाम कैसे भी आपको देना ही देना है। इसलिए आपको यही करना है कि अपना तैयारी फुल प्रूफ रखना है और पढ़ना है, क्योंकि आप दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम ऑफलाइन होगा तो हमको कुछ फ़ायदा होगा या किसी प्रकार का हम फायदा उठा सकते हैं ऑफलाइन का, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, तो आपको होम मिनिस्ट्री से यह, अब दूसरी बात है कि यह केंद्र सरकार के ऊपर फेंक दिया है कि होम मिनिस्ट्री जैसे कहेगा वैसे हम लोग एग्जाम लेंगे, तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह आदेश दे दिया गया कि 31 जुलाई के बाद इसका जो भी लेटर होगा और सरकारी जो लेटर होगा नियमावली होगा वो सारे इंस्टीट्यूट और संस्थान को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मेरा कहने का उद्देश्य और बताने का तात्पर्य यही है कि एग्जाम एनी हाउ होना ही होना है और ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर से जरूर भेजें, क्योंकि हो सकता है कुछ आपके दोस्त लोग तैयारी नहीं करते हो सकते हैं उनका एग्जाम फंस जाए आने वाले में, आपका उनका एग्जाम फंस जाए तो फिर 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए या फिर रजिस्ट्रेशन उनका फेल हो जाए, तो इससे काफ़ी भारी नुकसान होगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।